फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में आता है, जैसे कि आपका DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, PUCC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट है और वो एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो फ्रेंड अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन सबों की वैलिडिटी को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। मतलब कि फ्रेंड, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, PUCC, RC या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट है और वो एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो फ्रेंड अब आपको 2020 में इसे रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड माने जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये रही द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टिल December 31st। यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंड सरकार के इस डिसीजन की, तो ये डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छा भी है, क्योंकि कोरोना के इस पीरियड में लोगों को इससे थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलने वाली है। तो फाइनली फ्रेंड, ये थी वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसको हमने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए। अगर फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।